हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं केमिकल सेक्टर की एक शानदार कंपनी दीपक नाइट्रेट के बारे में, जो कि इसके काफ़ी केमिकल्स के बारे में, इसकी मोनोपोली है पूरे भारत में, और इसका इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में नहीं तो एक्सपोर्ट भी काफ़ी कंट्रीज़ में होते हैं। इसका फ्राइडे का क्लोजिंग था 2300 एंड 52 वीक हाई था 3020। दोस्तों, आपने आपको पता है कि ये शेयर काफ़ी गिरावट में चल रहा था, 2000 रुपीज़ तक भी टच किया, और अभी पिछले हफ्ते में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली इसके अंदर, और बहुत फटाफट रिकवर होके ये 2300 तक आ गया है। अब सवाल ये है कि ये तेज़ी बरकरार रहेगी कि यहाँ से गिरेगा? आइए हम लोग जानते हैं, पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। इसका पीई है 29 का, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव पीई पे अभी आ चुका है दोस्तों। ईपीएस है 78 का, जो कि शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.14, तो कंपनी पे करीब करीब डेट फ्री है, क्योंकि वो कंपनी पे बहुत निग्लिजिबल डेट है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 46% प्रोमोटर्स के पास है, जो कि अच्छा है, और प्रोमोटर्स ने 1% से अपना होल्डिंग बढ़ाया है पिछले 2-3 क्वार्टर में, जो कि एक पॉजिटिव बात है। एफआईआई का होल्डिंग है 11%, जो कि शानदार है, और डीआई का होल्डिंग भी है 11%, जो कि बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है। इसकी बात करेंगे ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट की, तो सेप्टेम्बर 2020 में इसका प्रॉफिट था 170 करोड़, जून 2021 में वो बढ़कर हो गया 303 करोड़, एंड सितंबर 2021 में वो फिर से घटकर हो गया 254 करोड़। बट ये जो घटा है तो इतना कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं है, ठीक ठाक थोड़ा सा, तो भी बहुत ज़्यादा गिरा नहीं, डायरेक्ट 50 करोड़ 100 करोड़ पे गया नहीं, बट मार्केट ने इसको निगेटिवली लिया और ये शेयर गिरावट होके सीधा 2000 तक पहुँच गया था। अब सवाल ये आता है कि अगले हफ्ते इसमें क्या करना चाहिए, और गिरेगा या बढ़ेगा? दोस्तों, ये 2300 का जो लेवल है, ये 50 DMA का इसको रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट अगले वीक में थोड़ा सा मंदा रहता है, चलता नहीं है, तो ये फिर से 2000 के लेवल तक भी जा सकता है। तो आप मंडे को एक दो दिन ऑब्जर्व करना, ये अगर 2400 को क्रॉस करता है तो इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, बट अगर ये 2350 के आसपास से फिर से रिवर्स जाना शुरू करता है तो फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आकर ये 2000-2100 के लेवल पर जा सकता है। तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा तो अभी जो आपने बाय किया होगा तो इसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और बाकी शेयर रहने दीजिए। और जो नया एंट्री करना चाहते हैं, थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ से रिवर्सल भी मार सकता है शेयर, क्योंकि 50 DMA सपोर्ट को अभी तक इसने रेजिस्टेंस उसको क्रॉस किया नहीं है, उसके ऊपर आके रुक गया है शेयर, हो सकता है उसको ब्रेक करे, हो सकता है वहाँ से फिर से नीचे जाना शुरू करे। तो इसीलिए आप ऑब्जर्व करके ही इसका मूवमेंट देख कर ही डिसीजन लीजिए। बट कंपनी शानदार है, आप इसको अगर गिरता भी है तो 2000 का बहुत अच्छा लेवल है, तो आप हर लेवल पर दो तीन शेयर एक्यूमेट करते जाइए, 2000 पे, 2100, 2200, ऐसा हर लेवल पे बाय कीजिए। कि मार्केट किस तरफ जाएगा बता नहीं सकते, मार्केट में तेज़ी रही तो ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट में बहुत भयंकर गिरावट आ गई तो फिर से 2000 के लेवल दिखा सकता है। पर लॉन्ग टर्म का आपका अगर व्यू है तो दीपक नाइट्रेट को आप होल्ड कीजिए दोस्तों, मार्केट चलेगा तो ये शेयर भी बहुत अच्छी तेज़ी दिखाएगा और बहुत अच्छा रिकवर करेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेस्ट शेयर है केमिकल सेक्टर का, तो लॉन्ग टर्म का व्यू है तो जरूर इसको बाय कीजिए, हर गिरावट में एक्यूमेट कीजिए, एवरेजिंग कीजिए, और बाकी दीपक नाइट्रेट के बारे में आप कुछ स्टडी करके भी डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।